आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको beneficiary.nha.gov.in साइट को ओपन कर लेना है। इस साइट के ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन एज के सामने ही दो ऑप्शन बेनिफिशरी और ऑपरेटर दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बेनिफिशरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे बेनिफिशरी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर को टाइप करना है, तो मैं अपने मोबाइल नंबर को टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको वेरीफाई का बटन दिखाई देगा, आपको वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पर आपके यहाँ पर देखिएगा एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी को टाइप करना है, तो मैं प्राप्त ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ओटीपी को टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा को टाइप करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज के ओपन होने के बाद आपके सामने देखिएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको अपने स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैं अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके में आपको PMJAY को सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिला को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखिएगा सबसे लास्ट में देखिए आपको सर्च बाय का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप यहाँ पर देखिएगा आप अपने फैमिली आईडी के द्वारा भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, वही अगर आप चाहते हैं अपने आधार कार्ड नंबर के द्वारा अपना नाम चेक करना तो आप आधार कार्ड नंबर के द्वारा, या फिर आप चाहते हैं अपने नेम के द्वारा भी तो आप आयुष्मान कार्ड योजना लिस्ट में अपना नेम के द्वारा भी नाम चेक कर सकते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके सामने लोकेशन रूरल और लोकेशन अर्बन का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिएगा PMJAY का भी ऑप्शन दिखाई देगा। वही दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने नेम के द्वारा आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नेम चेक करना तो आपको नेम को सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप नेम को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना नेम यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं अपना नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। नेम को टाइप करने के बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको एक सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको सर्च के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सर्च के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके नेम के जितने भी यहाँ पे व्यक्ति रहेंगे उनका सभी का आपके सामने नेम इस लिस्ट में आ जाएगा। वही दोस्तों यहाँ से आप इस लिस्ट को यहाँ पे PDF फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर देखिएगा अगर आपका कार्ड बना हुआ है और अप्रूव हो रखा है तो यहाँ पर देखिएगा आपको डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप भी आसानी से आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नेम चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।